अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे ASF की क्लास में जो रिसेंटली शुरू हुई है। अच्छा, इनसे आपका तारुफ, आई एम नॉट श्योर कि मैंने वीडियो की थी शायद शुरू में मैंने एक लाइव, अच्छा पहले तो फर्स्ट क्लास में एक वीडियो हमने की थी शायद, मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा, तो ये हमारा जो है ना, अच्छा दो सेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्शन बी है। अच्छा जी, ये सारे लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, आज हमारी जो है वो तीसरी क्लास है। अच्छा, और तीसरी क्लास में ना इनकी जरा हम प्रोग्रेस शेयर करते हैं कि क्या इन्होंने अभी तक कर लिया है। अच्छा, अभी तक मैं ये बता देता हूँ कि इन्होंने पढ़ाई क्या कर ली है। इन्होंने सबसे पहले github.com पे अकाउंट बनाना सीख लिया। अच्छा, और गिट में अपने प्रोजेक्ट को पुश करना सीख लिया कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो github.com पे उसको पुश कैसे करते हैं। अच्छा, वो सीख लिया, और एक छोटी सी वेबसाइट बनाना सीख ली है अपनी। मैंने इनसे कहा था कि आप अपनी CV बना लीजिएगा छोटी सी वेबसाइट के तौर पे। अच्छा, और उस CV को इन्होंने ना सिर्फ github.com पे पुश कर लिया है बल्कि उसको इंटरनेट पे लाइव भी कर दिया है। अच्छा, तो अब मैं जरा ना किसी का एक में, अच्छा किसके पास आ जाऊं मैं सबसे पहले? आपके पास आ जाऊं? अच्छा जी, एक तो सर मैंने, अच्छा जी नहीं, पहले तो आप अपने बारे में जरा बताएं ना, अपने बारे में जरा बताएं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ना, ताकि आपका, मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस से ही मेरा बैकग्राउंड है। दोस्तों थोड़ी सी खामोशी करें ताकि आपके दोस्त बात कर रहे हैं ना। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से ही है। इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया और काफ़ी लंबा गैप आ गया था मेरी स्टडी के अंदर, इसकी वजह से मैंने कंटिन्यू कराया कोर्स, और सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही हैं। गिटहब मुझे नहीं आता था इससे पहले, यहाँ पे आके मैंने गिटहब सीखा किस तरीके से लाइव करना है, किस तरह पे गिटहब पे पुश करना है, क्या कोड कमांड यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पुश कर सकते हैं और बाद में उसको कमिट भी करके और मॉडिफाई भी करके बाद में यूज़ कर सकते रहते हैं। अच्छा, तो अभी आपकी गिटहब की प्रोफाइल है। अच्छा, ये मैं गिटहब की प्रोफाइल करीब करके ना ये आपका नाम दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो कोई भी आके ये गिटहब की प्रोफाइल देख सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। अच्छा, जरा दिखाइएगा आपने क्या बनाया जो आपने सीखा। यार आपने तो बहुत सारी रिपोजिटरीज बना ली है। ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ। बाकी एक टेम्पलेट कोई भी दिखा दें जो अच्छी बनी हुई है। ये मैंने रिसेंटली टेम्पलेट यूज करके अपने HTML की थोड़ी सी स्किल्स पॉलिश करने की कोशिश करी थी। वेल डन यार, दिखा दो जरा। तो पोर्टफोलियो मैंने कोशिश करी थी अपने बनाने के लिए। ये उसका कोड है सारा। अच्छा, क्या बात है, ये रिपोजिटरी का लिंक भी दिख रहा है और ये लाइव मैंने करके आप पब्लिक भी करा हुआ है इसको। अच्छा, जरा दिखाइए, क्लिक कीजिएगा। क्या बात है जी, वेल डन, डिजाइन करा। क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। मेरा नीचे तक स्क्रॉल करके दिखा दें। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है, उसके अंदर मैंने चेंजेस करी काफी ना, HTML CSS वगैरह की। अच्छा, तो ये आपने टेम्पलेट उठा के, अच्छा टेम्पलेट भी यूज करना आपको आता है? हाँ, तो आपको बता रहे हैं बैकग्राउंड है आपका। अच्छा, वो वाला जरा दिखाएं जो आपने फ्रॉम स्क्रैच जो बनाया ना, CV वाला, वो बनाया आपने? बिल्कुल बनाया। CV वाली वेबसाइट है। अच्छा, ये आपने फ्रॉम स्क्रैच पूरा कोड अपने हाथ से लिखा? बिल्कुल है। इसमें कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कुछ नहीं? कुछ। अच्छा, वेल्डन यार, क्या बात है। अच्छा, अभी क्योंकि सिर्फ HTML की दो तीन क्लासेस हुई हैं, CSS हुई नहीं है, तो इसमें कलर वगैरह कोई अभी नहीं है, इस वजह से वो ऐड नहीं करें अभी। अच्छा, मैं ये चीज़ ये प्रोजेक्ट में क्लास के साथ साथ लेके आया। अच्छा, तो अब्दुल मुतल्लिब, बहुत वेल्डन यार, क्या बात है आपकी, कीप इट अप। अच्छा जी, अब किसके पास आ जाऊँ मैं, नेक्स्ट कौन दिखाना चाहेगा? अच्छा जी, आप कौन कौन दिखाना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, मुझे जरा बैठने की जगह देनी पड़ेगी आपको, सॉरी यार। अच्छा सर, पहले तो अपने बारे में बताएं ना, वो तो देखते रहेंगे हम। अच्छा जी, ये आपने बना लिया। अच्छा जी, पहले तो जरा अपने बारे में जरा इंट्रो हो जाए आपका, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। तो सबसे पहले हमने जब ये कोर्स शुरू किया था, हमें कोडिंग की कोई हवा नहीं थी, तो यहाँ पे आके हमने गिटहब पे अपलोड करना, HTML CSS के कुछ कोड सीखे, जिसकी मदद से हमने पूरी डे ये एक इंडेक्स पेज बना लिया और CV अपनी प्लस हेलो वर्ड्स का पेज। अच्छा, जरा अपने बारे में वो मत, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड वगैरह है? नहीं, मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं, सिंपल सा मैंने IT कोर्स किया हुआ। अच्छा, IT का आपने छोटा मोटा कोर्स पहले किया हुआ है, तो MS ऑफिस वगैरह आपने उसमें? MS ऑफिस, एक्सेल वगैरह, अच्छा थोड़ी ज़रा वीडियो एडिटिंग। अच्छा, क्या बात यार, प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी खामोशी, थोड़ी सी खामोशी, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, सॉरी है। अच्छा, आपस में थोड़ी देर के लिए बातें आपको रोकनी पड़ेंगी, उसके बाद आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपने ये वेबसाइट बना ली है। अच्छा, इसका URL जरा मैं करीब करके दिखा दूँ, तो ये पब्लिक URL है, कोई भी इसको विजिट करके ये देख सकता है, और इसमें मैं दोनों प्रोजेक्ट लिंक भी कर लिए, यहाँ से बैक वापस भी जा सकते हैं, फिर CV भी लिंक है। ओह, क्या बात है,
पेज भी कनेक्ट है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्रेस है अभी। अच्छा, अब जरा आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल भी दिखा दें ताकि मैं वो भी क्या कहते हैं वीडियो में दिखा दूँ। अच्छा नहीं, ये अपने लैपटॉप में दिखा दें, यहाँ पे है लॉगिन आपके पास? अच्छा, नेक्स्ट किसके पास आऊँ मैं? शहरोज। अच्छा जरा शहरोज अपना वो खोल के रखे हैं, गिटहब वगैरह सारी चीजें अभी आपके पास आते हैं। अच्छा ये जरा यहाँ पे क्लिक करके ना माई प्रोफाइल पे जाएं ताकि उसमें यूजर नेम आपका दिख जाएगा, योर प्रोफाइल। अच्छा ये आपकी गिटहब की प्रोफाइल है, इसको जरा करीब करके मैं ये वाला दिखा दूँ। अच्छा वेल डन यार, आपका सॉरी नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। अशफाक अली। अशफाक, वेल डन अशफाक, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ज़रा अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम शहरोज है सर, आईटी का शौक था कोई, इसकी मेरी जो एजुकेशन है वो एम ए आई आर है, एजुकेशन तो इससे रिलेटेड नहीं है कंप्यूटर के फील्ड से। अच्छा एम ए आई आर इंटरनेशनल रिलेशन वाला? जी इंटरनेशनल। तो सर ये कि आईटी का शौक भी और ऑफिस में मैं काम करता हूँ, कोर्स वगैरह किए मैं आईटी के, लेकिन वो तो बेसिक किस्म के कोर्स थे, उसमें एम एस ऑफिस वगैरह और ये चीज़ें, तो कोडिंग से पहली दफ़ा जो है ना वो सीखी है। इस पर हमने आपसे फिर गिटहब का अकाउंट बनाना सीखा, गिटहब के बारे में पता चला कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये डेवलपर्स का, और फिर सब जो क्लासेस हुई हैं कुछ खुद से भी कोशिश की है तो वो फिर ये सर। अच्छा और अभी आप कौन सी पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं? मैं सर सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर है, वेल डन यार। ये मैं असल में इसलिए पूछ रहा था, एम ए आई आर जो है ना, अच्छा ये आपकी वेबसाइट है? अच्छा क्या बात है यार, ये लिंक पब्लिक है? जी सर पब्लिक लिंक। अच्छा जी ये पब्लिक लिंक है, ये कोई भी ओपन करके इसको देख सकता है सर वेबसाइट को। अच्छा जरा अपनी गिटहब की वो भी दिखा दें। अच्छा इसको जरा स्क्रॉल करें, ये कहाँ था, क्या और भी है कुछ नीचे? अच्छा ये इतना ही है, ठीक है चलेंगे। अच्छा अपना वो गिटहब का जरा प्रोफाइल दिखा दें, बस वहीं पे अच्छा ये आपकी गिटहब की प्रोफाइल है। अच्छा इसमें फोटो वोटो लगा लीजिएगा ताकि ना क्या कहते हैं प्रॉपर एक नाम रखे ना, इसके साथ एक नाम भी शोर होता है, नाम लगा दिया। वेल डन यार, जबरदस्त, क्या बात है, कीप इट अप। अच्छा जी अब किसके पास आ जाऊंगा? अच्छा नहीं, जो रेडी है, जिसने क्या कहते हैं ओपन करके रखा हुआ वो बताए, ताकि एक और बंदे का हम देख पाएंगे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है काफी। किसके पास आ जाऊंगा? अच्छा जी दोस्त आपका क्या नाम है? सर मजर अली। मजर अली आपने बना लिया? जी सर बना लिया। अच्छा बस जल्दी से जरा दिखा दें हमें क्या बनाया सर? ये मैंने रिज्यूमे बनाई है। वेल्डन यार क्या बात है, कि तो आपने बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाया अपना। जी सर। अच्छा बस ये पहली दफा हमने कोशिश। अच्छा ये पब्लिक URL है, उसको कोई भी ओपन करेगा तो देख सकता है। अच्छा जी अपने गिटहब की प्रोफाइल जरा दिखा दें। जी सर बस हम फिर खत्म करते हैं लाइव, क्योंकि सब लोगों के पास हम नहीं जा सकते, टाइम जरा शॉर्ट है हमारे पास। यहाँ पे बस क्लिक कर दें, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। वेल्डन यार ये तो आपने फोटो वोटो भी लगा दी है अपनी, नाम वगैरह भी लिख दिया। ये आपकी आपकी है? ये मेरी फोटो है, ये मैंने। अच्छा